Dear students, today we will discuss the last topic of petromyzo and sea lamb weed. अरे बच्चों सभी lectures इसके important lectures हमने cover कर लिए हैं. आज एक और important lecture हम discuss करेंगे. That is उसका developmental उसकी history और प्यारे बच्चों उसका जो important larva that is MOCP's larva of petromyzo. आज discuss करेंगे बच्चों और उसके बाद बच्चों हम next जो type study लेंगे वो बच्चों हम फिश और फिशेज में लेंगे लेबियो रहिता. तो आज बच्चों जो लेक्चर कवर करेंगे वो सब का हमने नोट्स पीडीएफ फाइल वो सब वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. सब बच्चे डाउनलोड कर लें और बच्चों अच्छी तरह से नोट्स भी और बच्चों वीडियो लेक्चर भी स्टडी करें. ठीक है तो प्यारे बच्चों क्या कुछ बता रहे थे डेवलपमेंटल हिस्ट्री की बात करें तो हमने कल का जो लेक्चर दिया था वहाँ हमने डिस्कस किया बच्चों की पेट्रोमाइजोन इन दिस एनिमल बोथ सेक्स आर सेपरेट. लेकिन उसका जो लार्वा जो डिस्कस कर रहे हैं एमोसिटीज लार्वा उसमें अर्ली स्टेजेस की बात करें लेट स्टेजेस में जाकर डिफरेंशिएशन है बट इन अर्ली स्टेजेस बोथ गोनेड्स आर प्रेजेंट टेस्टिस भी ओवरीज भी. इट मींस द एमोसिटीज लार्वा इन केस ऑफ पेट्रोमाइजोन इट इज हर्मेफ्रोडाइट इट शोज इट पजेसेस बोथ गोनेड्स बोथ सेक्स ऑर्गन्स बट इन अडल्ट द बोथ सेक्स आर सेपरेट. फिर हमने बताया बच्चों उसके अंदर एक गोनेड की बात करें मेल में टेस्टिस आर देयर और बोथ टेस्टिस आर फ्यूज्ड सिंगल टेस्टिस बनेंगी. सिमिलरली इन केस ऑफ फीमेल बोथ ओवरीज राइट एंड लेफ्ट आर फ्यूज्ड टू प्रोड्यूस ए सिंगल ओवरी. फिर बच्चों दोनों के दोनों जो गैमेट्स मेल फीमेल के वो डिस्चार्ज हुए बच्चों कहाँ डिस्चार्ज हुए थे बॉडी कैविटी में और बॉडी कैविटी से फिर पास आउट होके कहाँ वाटर fresh water में. It means in case of petromyzone development the fertilization that occurs in fresh water means it is external fertilization. और प्यारे बच्चों उसके egg को study करें तो ये देख रहे हैं बच्चों egg किसका petromyzone का that is megalacithal. जितना भी yolk देख रहे हैं that yolk occupies this particular end की बात करें एक particular end के ऊपर बच्चों वो सारा का सारा कंसेंट्रेटेड है. क्या कैसे है क्या कह रहे ऐसे एग को टीलोलेसिथ है. इसका मतलब बच्चों एग इन केस ऑफ पेट्रोमाइजोन दो पोल बनेंगे टू पोल कौन से बनेंगे एक देख रहे बच्चों ऊपर की तरफ एनिमल पोल और एम्ब्रियोनिक पोल और जिधर बच्चों सारा का सारा कंसेंट्रेट हो गया कौन योग दैट इज वेजिटल पोल और इट इज एग एम्ब्रियोनिक पोल. ठीक है और जितना बच्चों योग की बात करें तो योग क्या करेगा क्लीवेज डिविजन्स को क्लीवेज फैरोज को उसको प्रिवेंट करेगा हिंड्रेंस का काम करेगा. तो टू टाइप्स ऑफ ब्लास्टोमियर्स डेवलप होंगे इन अपर रीजन जहाँ योग फ्री रीजन देख रहे हैं वेरी लेस अमाउंट ऑफ योग एनिमल पोल की तरफ माइक्रोमियर्स आर फॉर्म्ड. और बच्चों इधर योग की तरफ वेजिटल पोल की तरफ जितनी बच्चों माइक्रोमियर्स वो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो लार्ज साइज के होंगे दीज आर मैक्रोमियर्स. मींस क्या काम है पेट्रोमाइजोन एग हैवी अमाउंट ऑफ योक इज देयर योक कंसेंट्रेटेड एट पर्टिकुलर एट वन एंड दैट इज वेजिटल पोल और बच्चों टू टाइप्स के ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म माइक्रो एंड मैक्रो एंड क्लीवेज डिविजन्स कंप्लीट क्लीवेज डिविजन होगी इट मींस होलोब्लास्टिक डिविजन्स. ठीक है ये सारा सब कुछ बच्चों और क्या देख रहे हैं विद इन 21 डेज मींस अबाउट 3 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसके बाद बच्चों देख रहे हैं ये सुंदर सा लार्वा दैट इज कौन सा लार्वा एमओसीडीज लार्वा दैट हैचेस आउट. ठीक है बच्चों तो सारा सब कुछ आज का लेक्चर जो कंसंट्रेट करेंगे बच्चों हम फोकस करेंगे वो करेंगे बच्चों एमओसीडीज लार्वा. उससे पहले बच्चों हमने हार्ड मान लिया उन सबके टैडपोल लार्वा डिस्कस किए हैं आज एक और इम्पोर्टेंट लार्वा स्टडी कर रहे हैं एमोसिटीज लार्वा. इसकी सुंदरता क्या है बच्चों इट शोज सम इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंसेस बिकॉज दिस टैडपोल दिस एमोसिटीज लार्वा रिजेंबल्स किसको रिजेंबल करेगा बच्चों एम्फियोक्सिस को मींस सिफेलोकोडेट को. क्या मतलब इट शोज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. हनुमान हमने डिस्कस किया था बच्चों वहां हमने बताया रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस लेकिन आज बच्चों
जो पेट्रोमाइजोन का एमोसिटिस लार्वा दैट शोज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब लार्वा इज लेस डेवलप्ड, लार्वा रिजेंबल्स किसको रिजेंबल कर रहा है, लोअर फॉर्म्स को, और बच्चों उससे फिर एडल्ट्स हाई वर्टिब्रेट्स में डेवलप हो गए। ठीक है, तो एमोसिटिस लार्वा इट इज ए फ्रेश वाटर फॉर्म। ठीक है बच्चों, फिर क्या करते हैं, लार्वल पीरियड कितना चलेगा बच्चों, लार्वल पीरियड दैट इज लॉन्ग लास्ट पीरियड, अबाउट 3-7 years तक लार्वा लार्वल लाइफ, और दैट लार्वा रिजेंबल्स, मैंने कहा बच्चों एम्फियोक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा, सी लेग्स लेट, सिफेलोकोडेट्स उसको रिजेंबल कर रहा था, लार्वा लीव्स, लार्वा बच्चों उसी तरह से एम्फियोक्सिस की तरह से कहां बारो में रहेगा, फोसोरियल लाइफ, और किस टाइप का, सिमिलर उसी तरह से यू शेप्ड और वी शेप्ड अपना बरो, जो बिल वगैरह बरो बनाएगा, और प्यारे बच्चों द बॉडी इज इलॉन्गेटेड, बॉडी ये देख रहे हैं बच्चों इलॉन्गेटेड, फिश लाइक, ईल लाइक बॉडी, इट इज डिवाइडेड इनटू, ये देख रहे हैं बच्चों 3 regions देख रहे हैं बॉडी के, हेड रीजन, ये देख रहे हैं बच्चों लार्जेस्ट पार्ट दैट इज ट्रंक, एंड दिस पोस्टीरियर लास्ट पार्ट इज टेल। इट मींस क्या काम ने एम्फियो इनके सब पेट्रोमाइजोन, उसका एमोसिटिस लार्वा दैट रिजेंबल्स बच्चों किसको, एम्फियोक्सिस को। ठीक है, और बच्चों उसकी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड पे देखें बच्चों, ये दिख रहे हैं एम्फियोक्सिस की तरह से आज, बिल्कुल वही सिमिलरली ओरल हुड इज देयर, ओरल हुड इज देयर, यानी बच्चों जबकि अडल्ट की बात करें तो दिस ओरल हुड इज रिप्लेस्ड बाई बक्कल फनल, एंड दिस ओरल हुड के ऊपर बच्चों जो उसका स्टोमोडियम माउथ, वही एम्फियोक्सिस की तरह टेंटिकल्स आती है। ठीक है, और बच्चों क्या कुछ देख रहे हैं, ये देखे हैं उसकी आईज को स्टडी करें तो हेड रीजन के ऊपर ए पेयर ऑफ आईज, लेकिन दीज आर कवर्ड आईज, दीज आर हिडन आईज, दीज आर रूडिमेंट्री, दीज आर नॉन फंक्शनल, और ये देखे बच्चों कहां उसके फैरिंजियल, उसके फैरिंक्स रीजन, ट्रंक रीजन का जो रीजन देख रहे हैं हम, उसके ऊपर गिल स्लिट्स आती है, 1, 2, 3, 4 उसी तरह से 7 pairs ऑफ गिल स्लिट्स, 7 वन साइड में राइट में, 7 लेफ्ट साइड, 7 pairs ऑफ गिल स्लिट्स, और बच्चों ये देखें डॉर्सल फिन, इन केस ऑफ एडल्ट सी लेमरी द डॉर्सल फिन इज डिवाइडेड इनटू 2 branches में। ठीक है, यहां देख रहे बच्चों सिंगल डॉर्सल फिन वही कॉन्टिन्यूस है इनटू ए कॉडल फिन। ठीक है, एडल्ट में वो चेंज होगी इनटू 2 dorsal fin बनेंगी और सेपरेट कॉडल फिन बनेगी। ठीक है, ये देख रहे हैं बच्चों उसका एंटीरियर रीजन एमोसिटिस लार्वा का जो एनलार्ज किया हमने, क्या कुछ देख रहे हैं उसके इंटरनल ऑर्गन्स, विसरा देख रहे हैं बच्चों, ये देख रहे हैं बच्चों उसका एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो कि हेड रीजन, उसके ऊपर बच्चों हमने कहा ओरल हुड इज देयर, बिल्कुल एम्फियोक्सिस की तरह से माउथ उसके साथ टेंटिकल्स आर देयर, ये देख रहे हैं बच्चों उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंटीरियर पार्ट एंड लास्ट पार्ट, दिस पार्ट represents brain को and this posterior elongated tubular part that is narcode, उसके just behind it, उसके बाद एक solid road like structure it is notochord, फिर देख रहे हैं बच्चों ये देख रहे हैं बच्चों क्या कुछ उसका pharyngeal region, उसमें सब सब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये gill slits हैं, और gill slits के बिल्कुल anterior region के अंदर देख रहे हैं बच्चों the velum, the partition is there, जो गार्ड का काम करेगी फैरिंक्स को, और उसके जस्ट नीचे देख रहे हैं बिल्कुल वही एम्फियोक्सिस की तरह से एंडोस्टाइल, जो कि हमने बताया था गटर लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, यहाँ भी आज फिर देख रहे बच्चों एंडोस्टाइल इज देयर, और उस ये फूड पाइप ईसोफेगस उसके जस्ट नीचे देख रहे हैं क्या कुछ हार्ट, एंड दिस हार्ट इज एनक्लोज्ड इन ए पेरिकार्डियम, और ये देख रहे बच्चों लीवर दोनों लोब्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर रीजन में इंटेस्टाइन, तो क्या है बच्चों क्या क्या बताया हमने सारा सब कुछ, इधर उसका एमोसिटिस लार्वा किसको रिजेंबल कर रहा है बच्चों, सिफेलोकोडेट्स को, एम्फियोक्सिस को, ब्रैंकियोस्टोमा को। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस उसका डेवलपमेंट देख रहे हैं, उसके चेंजेस देख रहे हैं एडल्ट बनेगा तब, तो इट इन्वॉल्व्स क्या कुछ उसका जो फिल्टर फीडिंग, फिर एम्फियोक्सिस की तरह से उसका सीलियरी फिल्टर फीडिंग लाइफ हैबिट वो चेंज होगी बच्चों, किसमें, ब्लड सकिंग हैबिट में, सैंग्वीनस में, साथ साथ देख रहे बच्चों ओरल हुड
उसका जो ओरल वुड है ये बच्चों रिप्लेस होगा किसमें, बक्कल फनल में। उसके बाद देख रहे बच्चों ये एंडोस्टाइल बता रहे बच्चों, एम्फियोक्सिस में एंडोस्टाइल गटर लाइक स्ट्रक्चर, दैट एंडोस्टाइल कहां रिप्लेस होगा, थायराइड ग्लैंड में। इसका मतलब बच्चों दिस इज ऑर्गन्स का इवोल्यूशन, यानी बच्चों सिफेलोपोडेट से वर्टिब्रेट्स डेवलप हो रहे हैं। दिस इज इसका मतलब मेटामॉर्फोसिस, दिस एमोसिटिस लार्वा उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है बच्चों इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री की बात करें। और उसकी आईज ये देख रहे थे बच्चों, ए पेयर ऑफ हिडन, दीज आर कवर्ड नॉन फंक्शनल रूडिमेंट्री आईज, एंड दीज आईज कैसे होंगे बच्चों, अनकवर्ड होंगी फंक्शनल होंगी। एंडोस्टाइल किसमें चेंज होगा, थायराइड के अंदर। और कह रहे बच्चों क्या कुछ देख रहे हैं, मिलियन फिन, ये जो बता रहे थे बच्चों जो ये देख रहे हैं बच्चों उसकी डोर्सल फिन जो दिख रहा है मिलियन फिन, दैट वो डिवाइड करेगी इनटू टू डोर्सल फिन्स में कॉर्डल फिन में। और ये सारा सब कुछ बच्चों इसका पेट्रोमाइजोन का डेवलपमेंट हिस्ट्री, उसका एमोसिटिस लार्वा, ये सारा सब कुछ बच्चे पेट्रोमाइजोन सील एम्प्री बस कवर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप स्टडी लेंगे वो लेंगे बच्चों हम लेवियो फिश वगैरह स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।